हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अर्थ फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग शर्ट लुक कुर्ती, जो कि मैंने इसे वोलन फैब्रिक में रेडी किया है। इस कुर्ती को रेडी करने के लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लेंगे। फैब्रिक को हमने जब फोल्ड किया है तो एक साइड हमारा किनारे वाले 2 पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट हमारा बंद साइड है। तो जो हमारा किनारे वाला पार्ट है वहाँ से हम कुर्ती को ओपन रखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है, आपको भी इसी तरह से फैब्रिक को अपने फोल्ड करना है। हम कुर्ती का जो मेजरमेंट बताएंगे आप अपने अकॉर्डिंग उससे अलग भी रख सकते हैं। अगर आपका सेम साइज़ हो तो सेम मेजरमेंट से कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। कुर्ती की लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 44 इंच। लेंथ से हमने फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। फोल्ड किया हुआ फैब्रिक हमारा 14 इंच का है। ऊपर की साइड से हम पहले आर्म होल्स लाइन ड्रॉ करेंगे 8 इंच पे, और वेस्ट लाइन हम यहाँ पर 15 इंच पे लेंगे, और हिप लाइन हम 22 इंच पे लेंगे। इन लाइनों को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस साइड से अपने शोल्डर को लेना है, तो शोल्डर हम यहाँ पर 8 इंच के ले रहे हैं, क्योंकि हम कॉलर रेडी करेंगे तो शोल्डर हमारे ज़्यादा रहेंगे। तो शोल्डर वाली लाइन हम ये आर्म होल वाली लाइन में मिला देंगे, सीधी ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर को डाउन करेंगे 1 इंच पे, और हल्का इसको तिरछा डाउन करते हुए एक मार्क ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लेंगे, चेस्ट का यहाँ पर 1/4 लेंगे, 11 इंच हमने लिया है। कुर्ती को लूज़ बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो भी मेरा मेजरमेंट है उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेते हुए ही मार्किंग करनी है। वेस्ट 9.5 इंच लेंगे, और हिप लेंगे हम यहाँ पर 11 इंच। अब इन मार्क को हम इस तरह से शेप में देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की राउंडिंग देंगे, ये हमारा फ्रंट आर्म होल की राउंडिंग होगी, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बैक आर्म होल की राउंडिंग देंगे। 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट तक के हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। हिप के बाद हमारा जितना भी फैब्रिक फोल्ड हुआ है उतना हम यहाँ पर ए लाइन में मार्किंग ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंच की ब्रॉडनेस ली है, और 1.5 इंच की यहाँ पर डीपनेस लेते हुए इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हम अपना बैक पार्ट इसमें से हटाते हुए फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नेक की फ्रंट नेक की डीपनेस हम ले रहे हैं 3 इंच, और ब्रॉडनेस तो हमने जितनी बैक मिली उतनी ही लेनी है, और यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इस पार्ट की कटिंग कर देंगे। और फ्रंट का आर्म होल की भी राउंडिंग कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब हम नीचे की साइड में आएंगे, दामन में नीचे से हम 4 इंच में मार्क करेंगे, हल्का सा राउंड शेप देंगे। सिर्फ चाक के पास से हमें ये राउंड शेप देना है, और इस पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमारी है 23 इंच, तो 23 इंच में ऐसे 2 इंच माइनस करते हुए 21 इंच की स्लीव्स को कटिंग करेंगे। 2 इंच का हमारा कफ जाएगा। ऊपर की साइड से हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे, और आर्म होल्स लेंगे। चेस्ट का 5th पार्ट लेंगे, 8 इंच हमने यहाँ पर लिया है, और नीचे की साइड में हमारा बॉटम जो है 7 इंच का लेंगे, और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से नीचे की साइड में डाउन जाएंगे जहाँ तक ये मार्किंग करी है, स्लीव्स का शेप देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब 2 इंच पे एक कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें स्लीव्स को ओपन रखना है, और 2 पार्ट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कटिंग करनी है उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट ले लिया है अपना, और फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हम लेंगे। शोल्डर से पहले जॉइंट करेंगे, इसे बराबर रखना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये पूरी सिलाई हमें नीचे तक के लगानी है कुर्ती में।
इसके दोनों पार्ट को लेंगे अलग अलग से। हम यहाँ पर एक बटन स्ट्रिप को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटन स्ट्रिप ले ली है, ये हमने 2.5 इंच की ली है और इसको फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और एक पार्ट हम इसको अलग करते हुए इसमें ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये दोनों पार्ट में हमें अलग अलग स्ट्रिप को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में ये सिलाई लगा के दोनों स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए पूरी नीचे तक के ये ज्वाइंट हो गई हमारी। अब इस वाले पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से अपने नेक को रखेंगे टू पार्ट में, फ्रंट और बैक नेक दोनों साथ में आ जाएंगे हमारे। अब इसको पूरा नाप लेंगे कितना इंच का हमारा कॉलर रेडी होगा। 10.5 इंच हमारा आ रहा है। तो इस तरह से टू पार्ट फैब्रिक के कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने बकरम को इसमें पेस्ट कर लिया है। अब इसको फोर पार्ट में हमने रख लिया है। इसकी 7 इंच हमारी लेंथ आ रही है और इसकी विड्थ आ रही है 6 इंच। पूरे पार्ट को राउंड कर लेंगे जैसे हम नेक राउंड करते हैं, इसी तरह से करना है। अब यहाँ से हम वन साइड से और 1.5 इंच का कॉलर रेडी करेंगे। तो ये पूरा मार्क हमें करना है। इस तरह से मार्क करके इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह से आएगा। अंदर की साइड में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। कुर्ती के बैक वाले पार्ट में यहाँ पर हम सेंटर पे एक कट लगा लेंगे और कॉलर के भी सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। तो जब कॉलर को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो हाफ हाफ से जब ज्वाइन करेंगे तो कॉलर हमारा बहुत ही अच्छे से पूरी कुर्ती में रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड में कॉलर को पहले सिलाई लगा ली। अब हम दूसरे साइड में जब सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। कॉलर का भी हमें सिर्फ एक पार्ट लेकर ही सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने कॉलर के भी चारों पार्ट ले लिए हैं और इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से राउंड ही सिलाई लगेगी और जहाँ तक के हमारी स्ट्रिप आ रही है वहीं तक के हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कॉलर को फोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरह से आकर हम बाद में भी सिलाई लगा देंगे कॉलर के ऊपर। तो कॉलर के दोनों पार्ट हमारी कुर्ती में जॉइंट हो जाएंगे। कॉलर की दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी हो गया है। कुर्ती के एज वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले एक पार्ट फोल्ड करेंगे फिर दूसरा पार्ट फोल्ड करेंगे। करीबन ये हमारा 2 सेंटीमीटर फोल्ड होना चाहिए फैब्रिक और इस तरह से पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर पॉकेट के लिए हमने फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। 6.5 इंच की विड्थ ली है और 8 इंच की पॉकेट की लेंथ ली है। अब ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए 1 इंच का फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और दोनों पार्ट में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से इस पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। जब हम ये वाला पार्ट फोल्ड कर लेते हैं तो हमारी पॉकेट बहुत इजी तरीके से कुर्ती में लग जाएगी। इसी तरह से दूसरी पॉकेट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड से कुर्ती में पॉकेट को लगाएंगे। शोल्डर से हम यहाँ पर 16 इंच पे पॉकेट को रखेंगे। इसकी लेंथ पे हमें रखना है और इसकी दूरी हमें लेनी है 4 इंच पे। इस तरह से पॉकेट को पिन की मदद से पहले हम यहाँ पर टक कर लेंगे फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे साइड में। अब दूसरी साइड में भी हम सेम इंचेस पे ही अपनी पॉकेट को रखेंगे। दोनों साइड से दोनों पार्ट में सेम ही रखना है। Thank you.
रेडी करेंगे। स्लीव्स का जो पार्ट हमने कट किया था उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट में हल्की गैदर रेडी करेंगे। मशीन से ही आप बहुत इजी तरीके से ये गैदर रेडी हो जाती है हमारी। अब कफ़ लेंगे। कफ़ के लिए हमने फैब्रिक को 11 इंच पे कट किया है। कफ़ की लेंथ ली है 4.5 इंच। इस तरह से अपनी स्लीव्स को रखेंगे। हाफ इंच का हमें फैब्रिक छोड़ते हुए अपनी स्लीव्स वाले पार्ट को रखना है। अब इस पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा ये कफ वाला फैब्रिक है, इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए कितनी इजी तरीके से हमारा कफ लग गया है। बस हमें सिंपल से इस वाले पार्ट को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर से भी एक सिलाई को लगा लेना है। अब कफ के एक साइड में बटन कर देंगे और दूसरी साइड में काज कर देंगे। स्लीव्स को फोल्ड करते हुए फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती में स्लीव्स को ज्वाइन करने के लिए स्लीव्स को हम सीधा रखेंगे। अब यह आर्महोल वाले पार्ट में अंदर की साइड को स्लीव्स को डाल देंगे और दोनों सिलाइयों को मैच करते हुए पूरी राउंड सिलाई लगा लेंगे हम। गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आप लोग वीडियो को क्लिक करके देख सकें।